अक्टूबर में सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो गई थी। ये डेथ सभी के लिए शॉकिंग थी और सिद्धार्थ की फैमिली और स्पेशली शहनाज की क्या हालत हुई थी हम सब ने देखा है। शहनाज को इस दुख से उभरने में वक्त लगा। कुछ महीनों तक शहनाज सोशल मीडिया से गायब रही। अब शहनाज ने काम करना शुरू कर दिया है, फिर से अपनी पुरानी लाइफ में लौटने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये सारी चीज़ें शहनाज सोशल मीडिया पर नहीं दिखाती है। जाहिर सी बात है, सिद्धार्थ को लेकर वो चर्चा कुछ नहीं करना चाहती है। वो एक ऐसा दुख है जो अब उनके दिल में है। शहनाज ने अब अपनी लाइफ को फिर से एंजॉय करना शुरू किया है। ये पता चला उस वीडियो को देखकर जिसमें शहनाज डांस करती नजर आई। उनके मैनेजर की सगाई थी और उसी पार्टी में शहनाज शामिल हुई। एक ग्रुप डांस चल रहा था जहां पर सभी लोग डांस कर रहे थे। शहनाज ने भी डांस किया। जॉर्जिया, जो कि अरबाज खान की गर्लफ्रेंड है, वो भी इस पार्टी में नजर आई और शहनाज और जॉर्जिया साथ हैंग आउट कर रही थी। जहां शहनाज के फैंस को बहुत खुशी हुई कि फाइनली शहनाज जो है दुख से उभर कर एक बार फिर से जीने की कोशिश कर रही है, वहीं शहनाज के इस रूप को देखकर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और उसने सोशल मीडिया पर कमेंट करने से खुद को नहीं रोका। ये वो शख्स है जो बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ का स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था और सिद्धार्थ की डेथ के बाद एंड टाइम तक वो हर जगह मौजूद रहा। मैं बात कर रही हूँ असीम रियाज की। असीम रियाज और सिद्धार्थ एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखते थे बिग बॉस के घर में, लेकिन जब सिद्धार्थ की डेथ हुई तो हॉस्पिटल क्या, सिद्धार्थ की बिल्डिंग क्या, शमशान घाट क्या, हर जगह असीम रियाज नजर आया। उसी असीम रियाज ने शहनाज के डांस करने वाली वायरल वीडियो पर कॉमेंट करते हुए कहा, अभी अभी कुछ डांस क्लिप्स देखी, कसम से लोग अपनों के जाने के बाद कितने जल्दी उभर जाते हैं, क्या बात है, क्या बात है। कुछ इस तरीके से तालियां बजाते हुए असीम रियाज ने ये ट्वीट किया। तो जाहिर सी बात है ये ट्वीट शहनाज को लेकर ही किया है। अब असीम रियाज को शहनाज के फैंस ने ट्रोल कर दिया है। एक यूजर ने कहा, क्या फालतू बात है, कोई सामान्य जीवन जीने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने लव्ड वन को भूल चुका है। वहीं एक यूजर ने कहा, अगर ये शहनाज गिल के लिए है तो फिर तुम पर तरस आता है। सबसे पहली बात तो शहनाज को जज करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, और दूसरी बात, क्या उसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। कुछ इस तरीके से असीम रियाज को सटीक जवाब दिया है शहनाज के ट्रोलर्स ने। आपको क्या लगता है, शहनाज मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है, नॉर्मल लाइफ में जाने की कोशिश कर रही है, ये ठीक है, या सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद शहनाज को बस सब कुछ छोड़कर हमेशा दुख में ही रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।